पत्र पुल निर्माण कार्य में 2 वर्ष तक मनपा तथा एमएसआरडीसी प्रशासन को सहयोग देने वाले लोकसुरभि कॉम्प्लेक्स के निवासी इन दिनों भारी समस्या में जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से यहां की इमारतों के ड्रेनेज लाइन में चौकअप होने से ड्रेनेज का मलमूत्र यहां वहां फैल रहा है, जिससे परिसर में दुर्गंध का माहौल छाया हुआ है। इस कारणवश गगनमुखी बिल्डिंग चंद्रमुखी बिल्डिंग में इसका असर अधिक रूप से फैल रहा है। पत्रिपुल बनाने के लिए एमएसआरडीसी ने बिल्डिंग के कंपाउंड में जगह जगह खुदाई की थी। पिछले 2 महीनों से लोकसुरभि कॉम्प्लेक्स के रहवासियों द्वारा मनपा और एमएसआरडीसी विभाग से पत्र व्यवहार करने के बावजूद उनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं लोकसुरभि कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की दिक्कत है? प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा है। जो पत्रिपुल जो काम चालू था उसमें और हमारी सोसाइटी ने जो उनके साथ में डील किया था और उस हिसाब से जो डील के हिसाब से यानी काम हो रहा है, जब ही उन्होंने हमको बोला था कि आपका जो भी होगा हम लोग सब करके दे देंगे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हमारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ गया। ड्रेनेज के प्रॉब्लम में सारी गंदगी पूरे सोसाइटी में फैल रही है और पूरी सोसाइटी में फैल रही है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यानी हमारे सोसाइटी वाले लेटर एज अ लेटर जो केडीएमसी वगैरह को देना चाहिए था वो भी प्रोसेस वो लोग पूरा कर रहे हैं और गंदगी इतनी हो रही है कि उन्होंने सिर्फ उनका कहना ये था कि केडीएमसी वाले करें या एमआरवीसी वाले जो है वो करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारा जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जो मेन ड्रेनेज है वो ही लॉक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है और उसके ऊपर पूरा का पूरा यानी पत्थर वगैरह सब गिरे हुए हैं और हमारी सोसाइटी के यहाँ की जो भी पब्लिक है, रात रात भर जब पूरा ब्रिज का काम चलता था तभी हम लोग ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। आप सोच सकते हैं उस चीज़ को कि कितना आवाज़ आता था और कितना इन्हें रात को कोई अगर बीमार भी हो, एग्ज़ाम भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बेचारे सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो आज हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो भी आज जब हमारा ड्रेनेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो केडीएमसी वाले आते हैं सिर्फ साफ करके चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इस कारणवश यहाँ के लोग गंदगी के माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं। इस संकट भरे माहौल में हमारे संवाददाता ने कुछ स्थानीय रहवासियों की प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि लोकसुरभि इमारत के आसपास बहुत सी जगह पर ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है जिसका दूषित पानी यहां वहां बह रहा है, जिसे जल्द ही निपटारा नहीं किया गया तो किसी भी समय यहां के रहवासी मनपा के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी लोगों ने दी है। मैं लोकसुरभि कॉम्प्लेक्स का रहने वाला हूँ और यहाँ का ट्रेजरर भी हूँ और जब पत्रिपुल बना इस पत्रिपुल को बनवाने में इस कॉम्प्लेक्स ने पूरा सहयोग दिया, यहाँ का जगह उपलब्ध कराया और जो बनाने में आवाज़ आई, मिट्टी आई, धूल धक्कड़ आई, परीक्षा के टाइम पे बच्चों ने खिड़की बंद करके पढ़ाई किया, उस पतली पुल को बनाने में हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो गया, बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है। इसको समय समय पर एप्लीकेशन देकर सरकार को प्रशासन को देकर अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी उनका इस ओर ध्यान नहीं गया और मेरा ड्रेनेज सिस्टम अभी तक बना के साफ नहीं किया, टूटा है क्या है, पानी नहीं निकल रहा। कि कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने लेटर दिए जाएं, हमको प्रशासन ने मजबूर कर दिया। यदि जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व नहीं किया तो मजबूर होके ना चाहते हुए प्रशासन का साथ देते हुए भी मजबूर हो जाएंगे कि हमें पत्रिपुल पे हम लोगों के इस कॉम्प्लेक्स के लोगों को मजबूर होके प्रशासन की नींद जगाने के लिए हमें पत्रिपुल पे धरने के लिए बैठना पड़ेगा। इस अवसर पर अंसारी नसीम, दीपा शर्मा, प्रवीण कटियार, वाहिद शेख, हातिम भाई, फारूक भाई, किशोर कुमार गोयल, नीलोफर मैडम आदि सोसाइटी के पदाधिकारी उपस्थित थे।